हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि प्रेग्नेंट वुमेन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन पैक, विटामिन, न्यूट्रिशन, पोटाशियम सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में पाई जाती है और ये एज लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बात किए इस रेसिपी को। तो इसके लिए सबसे पहले चिया सीड्स, किशमिश, काजू, बादाम, सूखा खोपरा, ड्राई खजूर और गीला खजूर, उसके बाद फिर हम इसमें आलमंड, वॉलनट और वो होता है ना पम्पकिन सीड्स, उसको थोड़े मात्रा में काजू बादाम, एक्चुअली काजू में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है तो इसलिए मैंने काजू को बहुत कम यूज़ किया। और स्वीटनेस डालने के लिए गुड़ का मैंने इस्तेमाल किया है, जैगरी आप कोई सी भी जैगरी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ईजिली अवेलेबल हो। और क्योंकि मैं इसे प्रेग्नेंट लेडी के लिए बना रही हूँ तो आई यूज सैफ्रन, आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का बाजार में मिलने वाला सैफ्रन ले सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, सैफ्रन हमेशा गाढ़ा रेड कलर का होना चाहिए इस तरह, ताकि उसमें क्या होता है ओरिजिनलिटी की पहचान है। और मैं लड्डू को बाइंड करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ड्राई है तो इसको बाइंड करने के लिए मैं काऊ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको थोड़ा और स्वीटनेस और पावर पैक देने के लिए अंजीर का इस्तेमाल करी हूँ। क्योंकि देखिए हर किसी को पता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी अंजीर और पोमोग्रेनेट बहुत ही लाभदायक है। हमारे इस्लाम में ये कहते हैं कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी पोमोग्रेनेट और अंजीर का सेवन करती है उसके हेल्थ में और बेबी के हेल्थ में इतना अच्छा माशाल्लाह सुधार होता है कि उसे किसी भी और दवाई की, किसी भी और सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि अपने आप में एक होल न्यूट्रिशन है। तो मैंने सारी चीज़ों का पाउडर बना लिया है, ड्राई कोकोनट और सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। देखिए खजूर और जो किशमिश है वो बाइंडिंग का काम देगा और मिठास भी देगा एज लॉन्ग एज। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने उसे ऐसे लड्डू फॉर्म में बना लिया है, छोटे छोटे। मैंने साइज़ का पोर्शन एकदम छोटा रखा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स है और मैंने उसको ओट्स भी मिलाया है, जो सॉरी मैं ये दिखा नहीं पाई हूँ। मैंने ओट्स उतनी क्वान्टिटी में डाला है जितना मैंने आलमंड्स डाला था, एक्चुअली आलमंड और वॉलनट मैंने 200-200 ग्राम डाला है और मैंने इसमें ओट्स जो है 250 ग्राम मिलाया है। तो उससे क्या होता है ओट्स एक बॉडी भी देता है और ओट्स बहुत हेल्दी भी, आप सबको पता है कि फाइबर है, तो ये एक अपने आप में कंप्लीट मील है। इस लड्डू में हर एक न्यूट्रिशन पाए जाएंगे आपको। और मैंने आज तक यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे लड्डू के, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद की अपनी एक रेसिपी बनाती हूँ जो मेरी ग्रैंड माँ ने मेरे को सिखाया। बहुत से लोग इसमें गोंद डालना पसंद करते हैं पर मेरे को पर्सनली गोंद और सॉल्ट पसंद नहीं है। तो देखिए मैंने टोटल इतने से क्वांटिटी के सामान से 300 लड्डू गिन के बनाए जो मैंने ऐसे पैक कर लिया डब्बे में और मैं फ्रिज में रेफ्रिजरेटर कर लूँगी।